अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर मिस रिदा, क्लास 9th। आज हम लोग ने अपना लेक्चर नंबर जो है 5 स्टार्ट करना है। 5 लेक्चर नंबर में हम लोगों अपने जो नेक्स्ट टॉपिक्स करने हैं वो हैं डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हम लोगों ने करना क्या, उम्मीद करती हूँ आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज किए होंगे, उसके क्विज भी सॉल्व किए होंगे और उसको लर्न भी कर लिया होगा। जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन। कैंडिडेट, कैंडिडेट का वर्ड कहाँ से निकला है? कैंडिडेट मींस समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, यानी कि ऐसी चीज़ जो प्लान पहले से ना की गई हो, जिसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने पहले सोचा ना हो या अचानक से आपके उसके सॉल्यूशन निकल आए हों, इसको बोलते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन। द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट, अच्छा आपके पास एग्जांपल आ गई है कि अगर आपने फाइंड करना हो अपने स्कूल में बच्चों को जो कि क्रिकेट खेलते हैं, तो आप क्या एस्टिमेट करेंगे? आप इसमें एस्टिमेशन करेंगे, आप क्या करेंगे, एक क्लास के जो है स्टूडेंट काउंट कर लेंगे और उसकी एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि उसको जो है देख लेंगे सारी क्लासेस पर, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि नॉर्मली हमारे स्कूल में इतने हैं और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। ये आपका था एवरेज मेथड, आपने एस्टिमेट किया एक क्लास में इतने हैं, देन स्कूल में इतने हो सकते हैं, हो सकते हैं, आपको नहीं पता कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, आपने जस्ट एस्टिमेट किया है, सपोज किया है या लेट किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने एग्जैक्ट निकालने होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, प्लेयर्स में एक को काउंट करके सारे जो है क्लासेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर आपने कोई राइट सॉल्यूशन निकालना है तो आप कोई अदर वे जाएंगे, हर क्लास को वन बाय वन विजिट करेंगे, देन उसको देख लेंगे कि उसमें कितने कितने स्टूडेंट हैं, उन सबको ऐड कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये इस तरीके से था। कैंडिडेट सॉल्यूशन एक्चुअली हमारा क्या करता है, हमारा टाइम बचाता है। अगर आप कैंडिडेट सॉल्यूशन से जो है कैंडिडेट मेथड से आप अपने सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको हर क्लास में जाना नहीं पड़ेगा, आप एक ही क्लास से पूरे स्कूल की एवरेज निकाल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। अगर आप कैंडिडेट से नहीं निकालते तो आपको हर क्लास में विजिट करना पड़ेगा, देन आपका काम भी बढ़ जाएगा और आपका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था हमारा कैंडिडेट सॉल्यूशन, कि आपके पास अनप्लान कोई सॉल्यूशन निकालना हो आपने और विदाउट एनी जो है प्लानिंग, और अचानक से स्पॉन्टीन्यूसली आपका उसका आंसर आ जाए, मे बी वो करेक्ट हो मे बी रॉन्ग हो, ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही हो। इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, अपने कैंडिडेट के मेथड के थ्रू हम लोग अपने मल्टीपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि एक बाउंड्री लाइन थी उसको क्रॉस करना था, तीन मेथड्स बताए, या तो इसको बिल्कुल सीधा ले जाएं या लेफ्ट से या राइट से, कहीं ना कहीं जाके तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो वो कट ऑफ होगा, तो हम वहाँ से उसका टर्न ले सकते हैं। ये था कैंडिडेट सॉल्यूशन, और ज़रूरी नहीं है कैंडिडेट सॉल्यूशन आपका एक्चुअल सॉल्यूशन ही हो, जस्ट ये मेथड है आपके सॉल्यूशंस को निकालने का, देन हो सकता है उसमें बेस्ट सॉल्यूशन हो तो बेस्ट सॉल्यूशन हम उसमें से निकाल सकते हैं। इसके बाद था सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, लेवल्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, गुड अच्छा, बेटर बेहतर, बेस्ट बेहतरीन। बेहतरीन मेथड वो होता है जिससे आपके जो है सॉल्यूशन में एक्यूरेसी हो, आपके पास टाइम शॉर्ट हो, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम में आपका सॉल्यूशन निकल आए, और आपके पास जो है सबसे बेस्ट आंसर हो, आपकी एक्यूरेसी उसमें लाजमी होना ज़रूरी है, और आपके पास टाइम पीरियड भी वो जो है मतलब कि आपका टाइम ना ज़्यादा ले वो। तो ये था सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन, हम लोग एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आपको पता है मैथमेटिकल जैसे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो वो एक मेथड से के अलावा भी बहुत सारे मेथड से सॉल्व होती हैं। हम लोग वो चूज़ करते हैं जो हमें ईजी लगता है, ईजी लगता है, या फिर जो हमें लगता है कि लेंथ में कम है, या फिर हमें लगता है कि इससे एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आएगी, बहुत सारे आपके रीजन होते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, अज्यूम दैट नेम्स ऑफ
ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट है स्कूल की, उस पर सारे आपके स्टूडेंट्स के नेम है एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम. और अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर नेम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? आपके पास कुछ मेथड्स हैं, उस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, वेबसाइट को वन बाय वन हर नेम को देखेंगे. जब तक आपके पास वो नाम नहीं आ जाता या आपकी लिस्ट ख़त्म नहीं हो जाती, आप उसको फाइंड आउट करते रहेंगे. या आप क्या करेंगे, सेकेंड जो है उसके प्रिंटआउट्स निकाल लेंगे और उसमें से उस नेम को सर्च कर लेंगे. देन अगर ये भी नहीं करना तो आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे नेम को एक्सेल से, एक्सेल की शीट पे, और उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देके उसमें से अल्फ़ाबेटिकली आप उसको सर्च कर लेंगे. या आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, जस्ट प्रेस एफ कंट्रोल प्लस एफ की एंड लिस्ट इज अवेलेबल इन वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र पे आपकी लिस्ट अवेलेबल होगी एंड टाइप द नेम जो आप टाइप करना चाहते हैं, यानी कि जो आप सर्च करना चाहते हैं नेम, आप उसको सर्च करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ये चार सोल्यूशन थे. अब देखिए चार सोल्यूशन में अब आपकी आसानी के लिए बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है वो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. देयर कैन बी अदर सोल्यूशन एज वेल. इससे ज़्यादा भी इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, बहुत से मेथड्स हो सकते हैं जिसमें हमने बच्चे को किसी का नाम फाइंड आउट करना हो. वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सोल्यूशन अप्लाई करना है. नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सोल्यूशन दैट हैज अ नंबर ऑफ स्टेप्स और रियल नंबर ऑफ स्टेप्स एंड दैट सीम्स मोर इफेक्टिव ऑन सम क्राइटेरिया. यानी कि आप वो सोल्यूशन जो है सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका जो है कम स्टेप्स होंगे और आपके लिए आसानी पैदा होगी, आपका टाइम कम लेंगे, आपकी एक्यूरेसी बेस्ट होगी. ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. उम्मीद करती हूँ क्लास आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. इसके क्वेश्चन आपने लाजमी सॉल्व करने हैं जो इसी लेक्चर में से होंगे. इस लेक्चर को बार गौर से सुनिए. अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको उसके आंसर्स दे दिए जाएंगे. कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो फ्लो चार्ट होगा, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ना है. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.